हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स ट्रीटमेंट कलर वाले हेयर्स में लोग बहुत बार बोलते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इससे स्ट्रेट लुक नहीं मिलेगा, रिपेयर ज़रूर हो जाएंगे पूरे हेयर्स, डैमेज रिपेयर हो जाएंगे, और आपका ट्रीटमेंट भी मतलब काम तो पूरा करेगा बट स्ट्रेट लुक नहीं मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में आगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्रोडक्ट भी लगता है। ये हमारा बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, हमने इसको सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई किया है, फोर सेक्शन में अप्लाई किया है। हेयर वॉश किया है 3 टाइम्स, क्यूटिकल्स ओपन होने के बाद ही हमने इसको अप्लाई किया है ड्राई करके। डैम्प हेयर पे भी कर सकते थे पर मैम के बाल में कलर लगा हुआ था। इसकी वेटिंग टाइमिंग है 45 मिनट्स, हम इसको वेट करेंगे। 45 मिनट्स बाद हम इसको ओपन करके क्लीन रैप हटा के फेस में हम लोग नॉर्मल ब्लो ड्राई करेंगे। फोर सेक्शन में नॉर्मल हीट पे करना है। आप फुल हीट पे करने से प्रोडक्ट जलता है, धुआं निकलता है और प्रोडक्ट काम करने की जगह वो मतलब बन हो जाता है, पेनिट्रेट होने की जगह वो बन हो जाता है जो फुल हीट में अपन ब्लो ड्राई कर देते हैं। नॉर्मल हीट में ब्लो ड्राई करने के बाद अपन को 190 के टेम्परेचर पर आइनिंग करनी है। 190 के टेम्परेचर में आइनिंग करनी है क्योंकि मैम को ज़्यादा स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए है। उनने पहले ही बोला था स्ट्रेट लुक से कोई लेना देना नहीं है, बस हेयर रिपेयर होना चाहिए और उनका कलर जो उनने किया हुआ है वो एक दो लेवल लिफ्ट हो जाए। इस कारण हमने 190 पे आइनिंग की है। 10 to 12 स्टॉक ले लेके हमने आइनिंग की हुई है। 12 टाइम हम स्टॉक लेते हैं मैम के बालों में और आइनिंग कर रहे हैं। आइनिंग करने के बाद ये रहा आफ्टर देन रिजल्ट। इसको हमने फिर रिंस किया मास्क लगा के, सेम डे ही वॉश कर सकते हैं। सेम डे में ये वॉश हो जाता है और ये रिजल्ट है इसका। इसका शैम्पू कंडीशनर आपको यूज़ करना होगा, सल्फेट फ्री। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।